पुरुषों में मॉर्निंग इरेक्शन बोले तो जैसे ही सुबह आपकी नींद खुलती है तो आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव रहता है, इसे मॉर्निंग उड भी कहते हैं और मेडिकल की भाषा में NPT यानी कि नॉक्चुरनल पेनाइल ट्यूमिसेंस कहते हैं। यह लगभग सारे मेल्स में होता है, एडोलसेंस और टीनेजर्स में यह ज्यादा ही होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ यह कम होने लगता है। जिन पुरुषों में मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है तो क्या उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ। तो क्यों होता है मॉर्निंग इरेक्शन यानी मॉर्निंग वुड? हमारी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि डाइजेशन, यूरिनेशन और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो मॉर्निंग वुड बेसिकली चार कारण से होता है। फर्स्ट, REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। हमारे स्लीप की चार स्टेजेस होती हैं, उनमें से एक होता है REM रैपिड आई मूवमेंट। इस दौरान हम सपने देखते हैं और कई लोग REM के दौरान जाग भी जाते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट से हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है जिस कारण से मॉर्निंग इरेक्शन होता है। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल रात में बढ़ता है और यह मॉर्निंग में 3 to 4 o'clock के अराउंड में पीक लेवल पर होता है जो कि मॉर्निंग इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नंबर 3, आपके प्राइवेट पार्ट में एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होना। अगर आपका प्राइवेट पार्ट बेड सीट, ब्लैंकेट या फिर और भी किसी भी चीज पर टच होता है उससे भी मॉर्निंग इरेक्शन हो सकता है क्योंकि इससे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। नंबर 4, यूरिनरी ब्लैडर का फुल भर जाना। जैसे ही मॉर्निंग के टाइम पर आपका ब्लैडर फुल हो जाता है तो यह ब्लैडर के ठीक पीछे जो सैक्रल नर्व्स होती है उस पर प्रेशर देता है जो कि सेक्सुअल अराउजल और मॉर्निंग इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या मॉर्निंग इरेक्शन का ना होना कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मॉर्निंग इरेक्शन का होना हमारी बॉडी का हेल्दी होना माना जाता है, लेकिन जिन लोगों में रेगुलर मॉर्निंग इरेक्शन होता था और अचानक बंद हो गया तो इसके कारण हो सकते हैं आपकी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर लेवल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको एक विजिट अपने डॉक्टर के पास जरूर करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।